नमस्कार बच्चों, आप गुणज जान चुके हैं। मैंने गतिविधि के माध्यम से आपको गुणज करना सिखाया है और आप गुणजों के बारे में जान गए होंगे। चलो आज की इस वीडियो में हम सांझे गुणज के बारे में जानते हैं। दो के गुणज लिखेंगे पहले हम। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, कितने भी लिख सकते हैं आप। इधर दो के पहाड़े में आएंगे और तीन के गुणज। सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? सबसे बड़े गुणज का पता नहीं है, अपरिभाषित है, पता नहीं क्या होगा। सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है, वह संख्या खुद है। अब तीन के गुणज लिखेंगे। तीनों गुणज तीन से शुरू होंगे। तीन, छः, नौ, बारह, पंद्रह, अठारह, इक्कीस। सबसे बड़ा गुणज हमें पता नहीं क्या आएगा। सबसे छोटा गुणज तीन खुद है इसका। अब इनके साझे गुणज लिखेंगे। साझे गुणज क्या आएगा? देखो ध्यान से देखना आपने, तो दोनों में छः और इसके बाद ये बारह, फिर क्या आएगा आगे? अठारह आएगा। छः का बराबर आएगा साझे गुणज ये अठारह, फिर आगे चौबीस खुद लिख सकते हो। इस प्रकार से साझे गुणज जो दोनों के गुणज कॉमन होते हैं उनको हम साझे गुणज कहते हैं। साझे गुणज की अवधारणा को समझने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। गतिविधि के माध्यम से आप साझे गुणज का प्रयोग समझेंगे और साझे गुणज का व्यवहारिक प्रयोग भी है। व्यवहारिक प्रयोग कैसे करेंगे? रास्ते, पार्क के रास्ते पर टाइलें लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पर समस्या ये है कि मिस्त्री के पास 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइल है। देखो ये 5x5 की टाइल है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 5 फीट है, ये 5 फीट और ये 5 फीट, तो ये 5 वर्ग फीट की टाइल है, 25 वर्ग फीट की। और ये देखो ध्यान से देखना आपने, 3 फीट की एक वर्ग का टाइल है और ये दो फिट की वर्गाकार टाइल है। उसके पास इसी साइज की टाइलें हैं और उसने क्या करना है, इस रस्ते को टाइलों से सजाना है और किसी भी टाइल को काटना नहीं है। आप सांझे गुणनखंड की अवधारणा को समझ चुके हैं। 2, 3, 5, उसी अवधारणा को हम प्रैक्टिकल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। पहले क्या करता है मिस्त्री, 5 5 वाली टाइलें लगाने का प्रयास करता है। देखो ये लगा दी, उसके बाद फिर वो 3 3 वाली टाइल लगाते हैं। देखते हैं फिर एक ये लगा दी यहाँ पर टाइल तीन की, फिर ये टाइल तीन की लगा दी, फिर ये तीन की भी लगा देगा, यहाँ पर भी तीन की टाइल लगाएगा। इसी प्रकार से फिर दो की टाइल लगाने का वो, देखो ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे देखो तीन की टाइल अभी बिल्कुल पूरी पूरी यहाँ पर लग गई है। ये देखो बिल्कुल पूरी पूरी आ चुकी है। क्यों आती है पूरी पूरी बताएंगे आप? सोचेंगे जरा क्यों आती है पूरी पूरी? क्योंकि 5 और 3 के अगर हम मल्टीपल करें, सांझे मल्टीपल करें, 5 के सांझे मल्टीपल क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल, सांझे गुणनखंड। 5 के 5 10 15 20 25 30, 5 10 10 पे देखो कोई बराबर आया नहीं आया, 15 पे 15 बराबर आ गया। देखो 15 दोनों बराबर आ गया ना, फिर 30 पे बराबर आ गया। अब हम दो दो की टाइल लगाने का प्रयास करते हैं। ये देखो दो दो की टाइल लगेंगी यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 3 ही साइज की टाइलें हैं ना। ये देखो अब ये दो दो की टाइल लग रही है यहाँ पे, इनको हम सुंदर से आकृति में लगा देंगे। अब ये देखो समस्या क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर ये 15 था ना, यहाँ पर ये जब दो दो की टाइल लगाई तो यहाँ पर ये पूरी नहीं आती। ये देखो बच्चों कम रह गई, तो यहाँ पर कटिंग बटिंग करनी पड़ेगी, तो 15 की टाइल हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे और आगे चलना पड़ेगा हमें। ये देखिए ये कर रहे हैं हम आगे, देखो ये यहां पर 30 पे पूरी पूरी आ गई। ये देखो ये लग गई टाइल, ये देखो ध्यान से सारी टाइल लगी सही बिल्कुल। तो 5 5 की कितनी टाइल लगी? 1 2 3 4 5 6 6 5 30, यानी कि 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट। तो रास्ता कितना हो गया यहां से यहां तक? 30 फीट का रास्ता हो गया ना आपका पूरा। ये 3 3 की साइज कितनी लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 या 30, यानी कि 30 फिट का रास्ता पूरा हो गया यहाँ पर। दो दो की कितनी टाइल लगी? 10 टाइल, 3 3 की लगी। अब दो दो की देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 20। तो 2 3 और 5 का जो सांझा गुणज है वो 30 आता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टाइलें बिना काटे लगानी है आपने, तो इस प्रकार से भी हम रस्ते पर टाइलें सांझे गुणनखंड के माध्यम से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका एक था वो गुणनखंड वाला, सांझे गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं
और सांझे गुणज के तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आपने देखना है कि कहां पर हम गुणनखंड करेंगे, कहां पर हम गुणज करेंगे। यहां पर हमारे पास टाइलें पहले दी गई थी, वहां पर हमारे पास पहले एरिया दिया होता है, तो आपने ये समझना है यहां पर। और ये चौड़ाई कितने रास्ते की, 5 और 3, 8 और 2, 10। ये सारा रास्ता 10 फिट बाई 30 फिट का ये रास्ता है। इस प्रकार से आपने टाइलें साझे गुणनखंड के माध्यम से लगानी है। इसी प्रकार से अगर आप घंटियों के करना चाहें, घंटी एक आपके स्कूल में 3 घंटियां बजती हैं, 3 घंटियां हैं। एक घंटी बजती है 5 मिनट के अंतर पे, ये घंटी बजती है 3 मिनट के अंतर पे, ये घंटी बजती है 2 मिनट के अंतर पे। ध्यान समझे इस बात को, 3 घंटियां बजती हैं, पहले शुरू में इकट्ठी बजती हैं वो, फिर दोबारा कभी इकट्ठी बजेंगी, ये समझना आपने। अब देखो ये 5 मिनट बाद दोबारा बजेगी, फिर ये 10 पे बजेगी, फिर ये 15 में बजेगी, फिर ये 20 पे, ये 25 पे, ये 30 पे। अब ये देखो 3 वाली, ये 3 पे बजेगी, 6 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे बजेगी। 15 पे दोनों इकट्ठी आ गई ना। परंतु 2 वाली देखो, 2 वाली 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे। अब 15 पे नहीं बजती ना ये, तो 15 पे तीनों इकट्ठी नहीं आती, तो 14 पे बजेगी, 16 पे बजेगी। तो इसलिए अब तीनों दोबारा कब बजेंगी ये समझना है आपने। तो इनका भी यही तरीका है, हम क्या निकालेंगे, सांझे गुणज निकालेंगे। सांझा गुणज क्या आ गया, 30 आ गया वो, क्योंकि 15 तो 2 का हुआ ना, तीनों का सांझा गुणज निकालना है आपने। जब तीनों का सांझा गुणज आएगा तो उस पर घंटियां तीनों एक साथ दोबारा फिर बजेंगी। शुरू में बजी थी, अब लास्ट में कितने पे बजेंगी, 30 पे बजेंगी। यानी कि शुरू में घंटी बजती है तो आधे घंटे बाद घंटियां दोबारा फिर इकट्ठी बजेंगी।